Well, hello friends. Hello friends. Hello friends. Let me have water. 3, 2, 1. Hello friends. This is Tanuj and welcome back to my channel. Well, ये जैसे कि आप टाइटल ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके होंगे, हमारी जो वीडियो का टाइटल है बहुत इम्पोर्टेंट है और यार आज रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, आज पता नहीं क्यों नींद आ रही है और आप देख सकते हैं इस समय रात के 1:30 बज रहा है और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मेरे से रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, बट फिर भी हम एक और बार ट्राई मारते हैं। चलिए, लेट्स 3, 2, 1 गो। ओके, वेल हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तनुज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। Each and every run counted, my dear friends. Each and every ball counted, my dear friends. Each and every run counted, and which helped them in chasing this grand total of 300 runs. Well, hello friends, this is Tanuj and welcome back to my channel. Well, first of all, मैं अपने सारे viewers and सारे subscribers का यहाँ पे तहे दिल से उनका यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, because मुझे बड़ी खुशी हो रही है उन्हें यहाँ पे बताने में कि finally हमने यहाँ पे 10,000 subscribers का mark जो है वो हमने यहाँ पे cross कर लिया है। So, personal level पे मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप सारे के सारे subscribers बहुत importance रखते हैं मेरे लिए और उनका हर एक काम है यहाँ पे तहे दिल से उनका यहाँ पे शुक्रिया अदा यहाँ पे करना चाहता हूँ। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज वेरी स्पेशल टू मी, है ना। सो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और इसीलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे बनाई है ताकि ये जो हैप्पीनेस है मैं आपके साथ यहाँ पे इसे शेयर कर पाऊँ। तो ये जो जर्नी थी 0 से लेकर 10,000 सब्सक्राइबर्स की बहुत एक्साइटिंग थी और बहुत इसमें अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत वेरिएशंस थे एंड इसी के एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। जब इनिशियली मैंने जब ये चैनल लॉन्च किया था तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने पब्लिश किया था वो मेरा था कंपाइलर डिज़ाइन का, राइट। तो इनिशियली जब लॉन्च किया था तो मैंने जितने एक्सपेक्ट किया था कि जितने व्यूज़ आएंगे उतने बिल्कुल नहीं आए, राइट, और ना ही उतने सब्सक्राइबर्स आए, तो काफ़ी डीमोरलाइज और काफ़ी डिप्रेस हो गया। देन उसके बाद फिर मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स लॉन्च किया और वो भी इतना नहीं चला, फिर उसके बाद प्लेसमेंट प्रिपरेशन किया, तो धीमे धीमे करके आपके ये सब्जेक्ट्स में पब्लिश करता गया बट कहीं भी उतनी व्यूज या उतने सब्सक्राइबर्स वहाँ पे नहीं आ रहे थे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि यूट्यूब चैनल है ये आपका नहीं चलने वाला एंड शायद मुझे अपना टाइम जो है वो कहीं दूसरी जगह में इन्वेस्ट करूँ, है ना, बिकॉज द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स जो इसके अंदर जो वीडियो मेकिंग में मैं अपने लगा रहा था वो बहुत ज़्यादा थे, है ना, और उस तरह से मुझे रिजल्ट्स वहाँ पे नहीं मिल रहे थे जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो काफ़ी डीमोटिवेट और काफ़ी डीमोरलाइज मैं वहाँ पे हो रहा था, बट वो कह रहा था कि दिन में एक आध सब्सक्राइबर तो आ ही जाता था एंड वो एक सब्सक्राइबर जो आता था वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कमेंट कर देता था या कोई ऐसा ईमेल मुझे भेज देता था जो कि मुझे ऐसा लगने लगता था बहुत मोटिवेट करता था, वो बहुत पॉजिटिव फीडबैक आता था। वो जस्ट एक सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जो एक सब्सक्राइबर जब वो इस तरह से मेल या कोई कमेंट कर देता था तो अगेन मुझे लगता था यार नहीं यार फिर से मैं वीडियो बनाता हूँ और क्या पता यार अब चल जाए, है ना। तो वो जो एक कमेंट था, जो एक आपका ईमेल था वो बहुत मोटिवेट करता था, तो वो जो एक कमेंट था वही मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स था, वही मुझे पुश करता था कि मैं दोबारा वीडियोस को बनाऊं एंड इसी तरह से फिर मैं अपनी कंटिन्यूटी यहाँ पे मेंटेन कर पाया। सो वंस अगेन मैं सबका, उन सारे व्यूअर्स का यहाँ पे थैंक यू वहाँ पे फिर से करना चाहता हूँ। जो टर्निंग पॉइंट था वो था मेरा यहाँ पे जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट जो था वो मैंने पब्लिश किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। वो एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको बहुत अच्छी व्यूअरशिप मिली एंड इनफैक्ट जितने भी प्रीवियस सब्जेक्ट्स मैंने पब्लिश किए थे उनको भी वो एक्सीड कर दिया व्यूअरशिप के लेवल में, तो लोगों को काफ़ी पसंद आया वो और यू नो बहुत अच्छा लगता है जब आपका वर्क जो है लोग उसे पसंद करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो पर्सनली मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिली और तब मुझे लगने लगा कि हाँ यार ये चैनल जो है ये YouTube चैनल है अब ये चल सकता है, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एक गेम चेंजर था, तो बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को आपका वर्क जो है वो पसंद आता है एंड लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स देते हैं एंड मेरे हिसाब से तो इससे अच्छी कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन कोई हो ही नहीं सकती, राइट। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है एंड एक फ्रेज था जो कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में बहुत बार वोकलाइज किया हुआ है, मैं उसको यहाँ पे बोल भी देता हूँ कि आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस। तो ये वाला फ्रेज मैंने वहाँ पे काफ़ी यूज़ किया एंड काफ़ी लोगों को वहाँ पे ये पसंद आया एंड काफ़ी लोगों ने सार्कैज़म भी किया, कमेंट भी किया, पर ठीक है चलता है।
तो अच्छा लगा मुझे कि लोगों को वो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट जो था वो पसंद आया। एंड अगेन मैंने पहले भी आपको कहा कि जस्ट इन केस अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप उन्हें लाइक करें, कमेंट करें, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत मोटिवेट करती हैं, बहुत एनकरेज करती हैं। मुझे ही नहीं, कोई और भी यूट्यूबर होगा तो उसको भी बहुत एनकरेज करेंगी, बिकॉज द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड जितनी अमाउंट ऑफ टाइम हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा लगता है। भलाई आपको 3 से 4-5 मिनट की वीडियो यहाँ पे दिखती होगी, बट ये जो प्रोसेस है पूरी रिकॉर्डिंग का, मैं जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं मैं रात को करता हूँ, रात को 12 बजे से शुरुआत करता हूँ, सुबह 3 या 4 बजे तक मैं यहाँ पे करता रहता हूँ। एंड देन उसके बाद आपका जो एडिटिंग का वर्क आता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज उसमें काफ़ी ट्रिमिंग करनी पड़ती है, काफ़ी देखना पड़ता है। एंड उसके बाद जब एक बार वीडियो बन जाती है फिर मैं अपने कुछ रिव्यूअर्स को दिखाता हूँ, वो देखते हैं कि उसके सजेशंस देते हैं कि ये इस वीडियो में ये मतलब क्या फीडबैक मुझे जब मिलता है कि ये अच्छी है कि नहीं है। जब वो एक बार अच्छा फीडबैक दे देते हैं कि हाँ ये ओके दिस इज़ फाइन एंड इसको मैं अपलोड कर सकता हूँ, देन उसके बाद फाइनली अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करता हूँ। तो ये प्रोसेस हो, तो आप देख सकते हो 3 से 4 मिनट की वीडियो के लिए बहुत टाइम एंड एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। एंड इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको कोई भी एक पॉजिटिव कमेंट आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेट करता है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या मेमोरेबल मोमेंट्स मेरे यहाँ पे रहे इस पूरी जर्नी के दौरान, 0 से 10K सब्सक्राइबर्स के जो जर्नी थी। जो सबसे अच्छा जो मोमेंट जो मेरा था, जो मेमोरेबल मोमेंट था, वो था मेरे जो यूट्यूब के जो इवेंट्स थे उनको अटेंड करना। एंड दो इवेंट्स मैंने उनके अटेंड किए। सबसे पहला जो था आपका था यूट्यूब हैप्पी आर्ट्स। तो यूट्यूब हैप्पी आर्ट्स में क्या होता है कि वहाँ पे वो अपनी एक सोशल गैदरिंग कराते हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, पार्टी, बूज एंड स्टफ, ये सब सारा वहाँ पे होता है। एंड बहुत अच्छा लगा दूसरे यूट्यूबर्स से मिलके, दूसरे एरियाज़ के यूट्यूबर्स से मिलके। कोई एजुकेशन में था, कोई आपका ब्लॉग्स बनाता था, कोई प्रैंक्स बनाता था, तो काफ़ी अच्छा लगा सबसे इंटरेक्ट करके। एंड जो सेकेंड इवेंट जो मैंने वहाँ पे उनका अटेंड किया था वो मेरा था क्रिएटर्स डे। क्रिएटर्स डे भी बहुत अच्छा इवेंट था जो यूट्यूब ने ऑर्गेनाइज किया था। मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ऐसे वर्कशॉप्स वो कराते रहें ताकि हम जैसे यूट्यूबर्स को पता लगता रहे कि किस तरह से कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हमें यूज़ करने अपनी वीडियोस बनाने के लिए। तो वो एक वर्कशॉप थी, हाफ डे की वर्कशॉप थी, उसमें भी जो एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर्स थे उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज की थी। लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला और उनसे सीखने का मौका, देखिए बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, देखिए कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करना है, लाइटिंग इक्विपमेंट किस तरह से यूज़ करना है, कैमरा कौन सा यूज़ करना है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको जो एक्सपीरियंस लोगों से पता लगती हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्प करती हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। तो ये जो इवेंट था काफ़ी बेनिफिशियल रहा जो मैंने अटेंड किया। एंड उससे ज़्यादा जो रिलेशंस बने जो दूसरे यूट्यूबर्स के साथ वो भी बहुत अच्छे थे, है ना। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मेमोरेबल मोमेंट था वो भी। तो ये जो दो इवेंट्स मैंने अटेंड किए थे ये बहुत अच्छे थे और बहुत मज़ा आया इनको अटेंड करते हुए। एंड बिकॉज मैं क्योंकि एक पार्टी लवर पर्सन हूँ तो मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना, सोशल गैदरिंग्स में जाना ये अच्छा लगता है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये जो दो इवेंट्स थे ये काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स थे। एंड इसके साथ साथ एक और मेमोरेबल मोमेंट्स था जब अक्रॉस द कंट्रीज फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम बांग्लादेश, कैनेडा एंड यूएसए, वहाँ से जब व्यूअरशिप मिलनी मुझे चालू हुई एंड वहाँ से जब लोगों ने कमेंट्स करना चालू किया तो वो भी बहुत एक अच्छा मेमोरेबल मोमेंट था। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ यहाँ पे आज शेयर कर रहा हूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल तभी हुई हैं बिकॉज ऑफ ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माई व्यूअर्स। सो दिस वॉज द जर्नी, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की। एंड 0 से लेकर 10,000 सब्सक्राइबर्स तक बहुत ही अच्छी जर्नी थी, डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी बहुत अच्छी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे एंड यही लाइफ का मजा है, जितने अप्स होते हैं जितने डाउन्स होते हैं उसी में आपकी लाइफ एक्साइटिंग होती है, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना इसी का मजा होता है, राइट। तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड अगेन मैं अपने सारे व्यूअर्स एंड सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको अगेन यहाँ पे थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप इस फैमिली का यहाँ पे पार्ट बने, कंप्यूटर फोरम NCR जो हमारा चैनल है इसका यहाँ पे आप पार्ट बने। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू बिकॉज पहले मैं अकेला था बट नाउ आई हैव एन आर्मी ऑफ 10,000 पीपल, राइट। तो आपके पास अगर कोई ऐसे फ्रेंड्स या कोई जूनियर्स हैं जो कि गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर चाहें तो मेरी वीडियोस उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, तो इन दैट केस आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। सो ऑन दिस नोट फाइनली मैं यहाँ पे अपनी वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वंस अगेन मैं अपने सारे व्यूअर्स एंड सारे सब्सक्राइबर्स का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी तरह से आप वीडियोज़ को यहाँ पे देखते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे, सी यू लेटर, बाय बाय।